सो प्रीवियसली हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी आई गेस। ओके 45-50 तक शायद गेस कर लिए थे। ओके 45 तक ही हो गए थे हमारे, उसके बाद से। आपका बर्थडे हाँ हाँ विश्वराज, हैप्पी थैंक यू थैंक यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे सर, सर, हैप्पी बर्थडे थैंक सर, यू थैंक यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे थैंक्स अ सर, लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू शिव प्रसाद, थैंक यू। और जैसे आप जानते हैं इंस्पायर में बर्थडे होता है टीचर्स का, तो मतलब एकदम ग्रैंड ट्रीट रखते हैं। तो अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो ग्रैंड ट्रीट रहता है। ट्रीट में मतलब आप जानते हो एकदम बढ़िया सा कुछ ग्रैंड कहीं बाहर ट्रीट करते हैं, या तो फिर मूवी पे जाते हैं अपन। तो इस बार तो यार कोविड में तो सब गड़बड़ हो गया, बट कोई नहीं, जब मिलते हैं दिवाली के बाद फिर करते हैं पार्टी। थोड़ी सी पेंडिंग रही, ठीक है? ओके यस सर, चले देखते हैं दिवाली के बाद अगर कैसा रहता है सिनेरियो। अगर थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है तो देखेंगे, अदरवाइज जो ईयर ब्रेक रहता है मतलब 11th के बाद वाला ब्रेक, 15 डेज का ब्रेक, उसमें कभी पे अरेंज करेंगे। ओके यस सर। ओके चले यार, तो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ यार अप टू 50 कोई डाउट्स? चले 48 रीड कर लेते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग विद हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ दिस स्केप्स आउट ऑफ अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस नियर बाई वॉल। ओके कल मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन बताया हुआ था, किसी को याद है क्या फॉर्मूला आता है यार फोर्स का? क्या फॉर्मूला आता है इस केस में? वाटर जेट जब किसी वॉल को हिट करता है, याद है किसी को? मोमेंटम से निकालते हैं, रो ए वी स्क्वायर आता है। अरे इतना कैसे? ये बिल्कुल देखो प्रीवियस, अभी जस्ट रिसेंट क्वेश्चन था। ये था क्या? नहीं 44 नहीं, ये था 42। कहा था ना यार याद कर लो। ओके तो वाटर की डेंसिटी 1000 कंसिडर करके ही चलनी है, उसी पे बेस्ड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक माइंड में रखना है आप लोग को। यूजुअली ये वाला हम फ्लूइड एक चैप्टर है हमारा फ्लूइड, वहाँ पर हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं वापस से, तो टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा, बट अभी से याद रख लोगे तो फिर बेटर रहेगा, आगे इजी रहेगा। ओके आफ्टर 50 अप टू 55 बताएं डाउट्स। 51 देख लेते हैं। A ball of mass this thrown vertically upward reaches the highest point this, what is the air resistance experienced by the ball during its motion? Okay, तो पॉइंट ये है कि यार 30 से थ्रो किया लेकिन 2.5 सेकंड बाद वो ऊपर पहुंची है, ठीक है? मतलब ये हुआ कि यार अगर हम नॉर्मली थ्रो करें, ठीक है, 30 की स्पीड से थ्रो करें, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड जीरो, तो हमें टाइम चाहिए। तो टाइम दिया है कि कितना टाइम लगा, 2.5 सेकंड लगा, ठीक है? तो अपन निकाल लेते हैं v is equal to u plus 80 टाइप का, तो फाइनल जीरो हो गई। u कितनी थी? 30 थी प्लस 80, t हमें यहाँ पे पता है 2.5, मतलब उसे 5/2 रख देता हूँ मैं, तो a is equal to कितना आ जाएगा, 30 इस तरफ माइनस में जाएगा इंटू 2 और डिवाइड बाई 5, सो कितना आ गया, -12। कितना रिटार्डेशन लग रहा है, -12 का। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है? अब ये -12 आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस, मतलब ये एयर फोर्स है। देखो दिख रहा है यूनिट, हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो यार हमें ऑलरेडी पता है कि ये 12 में से 10 तो क्या है, ऑलरेडी ग्रेविटी है, सो एयर रेजिस्टेंस कितना होगा? एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो ये 12 में से ग्रेविटी हटा देंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली ए में से जी हटा देंगे तो बचेगा कितना, 2 m/s² का। और अगर हम फोर्स देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मास इनटू एयर रेजिस्टेंस। सो बेसिकली रेजिस्टेंस फोर्स कितना हो जाएगा, 0.2 इनटू
एक्सेलरेशन कितना है 2, सो 0.4। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं पूरे 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से तो क्या आ जाता 6, बट वो गलत होता। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी भी लगा हुआ है ना 10 का एक्सेलरेशन। समझ आया क्या सबको? ओके गुड। तो वो थोड़ा सा यूनिट वगैरह देखते जाना है कि फोर्स पूछ रहा है, सिर्फ एक्सेलरेशन में टिक करके आना। बाय द वे अच्छी बात है कि 2 आंसर में मिल नहीं रहा, अदरवाइज जल्दी जल्दी में 2 ही मार्क कर देना होता है। ठीक है, बट प्रॉपर यूज कर लेना। चलिए 53 रीड करते हैं। दिस मच स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास दिस स्ट्राइक नॉर्मली एट अ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस with the velocity this rebounds with the same velocity what is the pressure exerted by the ball। यार ये सारे momentum क्या आ गए, थोड़ा यार miss हुआ है ये sheet में से। ये कुछ इस section के 20 questions merely momentum क्या आ रहे हैं, but कोई बात नहीं, अभी आप लोग almost सीख गए हैं। momentum आपको पता है v से enter किया और v से return आ गया, समझ गए कितना momentum change हो गया 2mv का। ठीक है, और force कितना आ जाएगा, अपन time लगा देंगे per unit second का, तो डेल्टा पी बाई टी कितना लगा देंगे 1 सेकंड लगा देंगे तो फोर्स आ जाएगा। और पूछा क्या हमसे प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा फोर्स ओवर एरिया। समझ आ क्या क्या किया भाई, ये पैटर्न बार बार हम देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से रिबाउंड हो रहा है फुल स्पीड से तो कितना मोमेंटम चेंज होगा। पहले एमवी से 0 पहुंचा और 0 से अपोजिट डायरेक्शन में एमवी मिला, मतलब 2mv का चेंज आया, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हम लगाते हैं फोर्स, तो पर यूनिट टाइम में इतना मोमेंटम चेंज है, हम ये कंसिडर करेंगे और सॉल्व कर देंगे। कोई डाउट किसी को इसमें 53 में? हाँ, और मोमेंटम ये भी देखना ना, नंबर ऑफ बॉल्स इतनी सारी हैं, तो ये एम भी तो हम एक बॉल का लगा रहे हैं ना, एन भी मल्टीप्लाई कर देना इनटू जितनी नंबर ऑफ बॉल्स होंगी वो भी मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। 53 ओके, ओके। 54 रीड करते हैं। टू बॉल्स ऑफ सेम मास आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द फ्लोर, द फर्स्ट बॉल बाउंसेस इलास्टिकली फ्रॉम द फ्लोर व्हाइल द सेकंड बॉल सेकंड वन स्टिक टू द फ्लोर, I1 एंड I2 आर इंपल्सेस ऑफ द फर्स्ट सेकंड। यार ये वाले क्वेश्चन हम वर्क पावर एनर्जी में ही पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, वहां पे सारी चीजें हम समझा के रखेंगे कि इंपल्स क्या होता है। बाय द वे टेंशन इतनी भी नहीं है, आपको पता है इंपल्स मैंने समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, क्या होता है इंपल्स, इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी फोर्स इनटू टाइम। बट यहां पर तो चेंज इन मोमेंटम से ही काम बन जाएगा, जिस पे रिबाउंड हुआ वो उस पे ज्यादा चेंज होगा मोमेंटम, और जिस पे आकर स्टिक कर गया उस पे कम होगा ना, क्योंकि एमवी से आया और जीरो हो गया, तो चेंज आया कितना एमवी का, और यहां पर कितना चेंज आया रिबाउंड हो गया तो 2mv का, तो इस पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ये इंपल्स I1 है और ये I2 है तो इसका मतलब पक्का क्या होने वाला है, I1 is 2 times of I2, ऐसी फील आने वाली है। ऑल्दो मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा ये सारी चीजें मैं वर्क पावर एनर्जी में, बट इतना कुछ टफ नहीं है, इंपल्स काफी टफ है क्या। अब अगर मैं बता दे रहा हूँ तो पक्का मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा, एक दो क्वेश्चन मैं इस टाइप के जरूर रखूंगा, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन। या डाउट हो रहा हो तो बता दो यार, कोई नई चीज कुछ डाउट सर रिपीट प्लीज। ओके देखो यार यहाँ पे एक नई चीज दिखी है क्या, इंपल्स, इंपल्स इंपल्स क्या होता है, फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगाया गया है तो वो सिर्फ होता है चेंज इन मोमेंटम, उसको एक्सेलरेट नहीं करा पाता है, सिर्फ क्या करता है मोमेंटम चेंज करता है। तो इंपल्स आई, आई मीन्स वॉट इंपल्स, दिस इज इंपल्स, इट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो क्वेश्चन में दिया फर्स्ट केस में बॉल आ रही है और रिबाउंड हो रही है, तो रिबाउंड हो रही है तो बताया ना कितना मोमेंटम चेंज होगा 2mv, जबकि एक केस में सेकंड केस में आकर स्टिक कर जा रही है सीधा स्पीड जीरो, तो एमवी से सीधा क्या हो गया जीरो, तो चेंज मतलब सिर्फ कितना हुआ एमवी, तो इसका मतलब इसका जो है I2 वो कम होगा और I1 ज्यादा होगा। क्लियर? यस सर। ओके चले नेक्स्ट, आप तो 60 बताइए। Fifty-seven.
57, 56 and 60. ठीक है, चले रीड करते हैं. अ क्रिकेट बॉल मास दिस स्पीड दिस हिट द मिडल ऑफ अ बैट फॉर्मली द बॉल गोज स्ट्रेट बैक टू द बॉलर आफ्टर हिटिंग द बॉल द कोलिजन द कंप्लीट टाइम इज दिस. यार ये बार बार वही चीज चल रही है, फोर्स बार बार वही चल रहा है क्या? देखो यार इस पे कितनी सारी बातें हमने अब कर डाली ना यार, अब तक तो क्लियर होना चाहिए. चलो कोई बताओ क्या होगा. एमवी से गया और हिट करके बॉलर की तरफ ही रिटर्न हुआ. एमवी से कितना मोमेंटम चेंज हुआ? 2 MV. बेटा फोर्स कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी और टी दिया है. इस बार कॉन्टेक्ट टाइम दिया है तो 1 सेकंड मत रख लेना, ठीक है? इस बार पर सेकंड के लिए नहीं पूछा, इस बार कॉन्टेक्ट टाइम दिया है तो वो रख के निकाल देंगे. कोई डाउट किसी को? नो सर. ओके गुड. नो सर. अब तक सीख जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है. चले नेक्स्ट रीड करते हैं. Pendulum set oscillating on a trolley which is moving with an acceleration a horizontal plane. Then the thread of a pendulum is in equilibrium position makes an angle with this. यार ये तो सूडो वाला क्वेश्चन हो गया ना, ये किया है यार, मुझे लग रहा है हमने क्लास में डिस्कस किया है. याद आ रहा है क्या किसी को? ए एक्सेलरेशन से ट्रॉली चल रही है, सिंपल पेंडुलम लगा है, तो वैसे तो सिंपल पेंडुलम कैसे स्ट्रेट होना चाहिए? अभी स्ट्रेट होगा क्या? नहीं. क्या लगेगा इसमें? सूडो लगेगा. सूडो लगेगा अगर पीछे की तरफ, तो इसका मतलब ये इंक्लाइन हो जाएगा ना ऐसे. तो ये हमने ये बताया था ये चीज कि इसका मतलब ये इंक्लाइन हो जाएगा. किसके वजह से? सूडो के वजह से. एम इन टू ए का सूडो लग गया यार. अच्छा एम जी तो लगेगा ही भाई, और क्या लगेगा? टी भी लगेगा. तो अब कहाँ से एंगल पूछा है? वर्टिकल से एंगल पूछा है ना. पोजिशन मेक्स एन एंगल विद द वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल से. तो इसका मतलब इसे थीटा माना तो ये क्या आएगा? थीटा. अब देख लो यार कौन किसे बैलेंस करेगा, बताओ कौन किसे बैलेंस करेगा? टी का कौन सा कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा? कॉस थीटा. टी कॉस थीटा भाई, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एमजी को, सही है. टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एमए को, सही है एकदम. और हमें चाहिए क्या? थीटा टेन इनवर्स वाला. मतलब क्या करना चाहिए? डिवाइड कर देना चाहिए. तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? दिस डिवाइड बाय जी, तो क्या आएगा? ए बाय जी आ गया, ठीक है. अच्छा किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड है बैकवर्ड? भाई सूडो लग रहा है ना, किधर होगा? बैकवर्ड. तो मुझे लगता है सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था नोट्स में, मतलब ठीक है. चलो 60 देखें. हाँ ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ तो फंक्शन ऑप्शन दिया है इसमें. चलिए रीड कर लेते हैं. अ सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट अ रेट ऑफ दिस. कुछ तो बड़ा हैवी सा टर्म लिखा है, बट हमें फोकस करना है डीएम बाई डी टी, ठीक है. मास के बारे में बता रहा है वो, एल्फा इंटू वी है. वॉट इज द एक्सिलेशन ऑफ द सैटेलाइट? ओके, तो मास रेट हमें दिया है. आपको याद है ना फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा. अगर मास चेंज हो रहा है तो फिर क्या क्या यूज करना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला, बताओ यार. अगर मास चेंज हो रहा है तो v इंटू dm बाई डी टी. v इंटू dm बाई डी टी, ठीक है. अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके हाँ, और दिया क्या है? v इंटू dm बाई डी टी को क्या दिया है? अल्फा इंटू v. तो अल्फा इंटू v टाइप का दिया है. अच्छा हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए. तो मतलब इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, सीधे ही दिख रहा है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा. अल्फा कुछ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? नहीं. वी अगर पूछा होता, टाइम का फंक्शन पूछा होता, तो कुछ इसे इंटीग्रेट करके टाइम का फंक्शन लाते हम, बट कुछ टाइम का फंक्शन पूछा ही नहीं है. अगर ये पूछता वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ कैसे निकालते हैं? तो हमें क्या करते हैं? ए को कन्वर्ट करते डी वी बाई डी टी, और डी टी को इस तरफ लाते, वी स्क्वायर को इस तरफ लाते और दोनों को इंटीग्रेट कर देते, तो वी एज अ फंक्शन ऑफ टी आता. बट अभी ए ही पूछा है तो ए में तो कोई टेंशन ही नहीं, ए वी स्क्वायर बाई एम, ये आंसर हो गया. हाँ माइनस, यहाँ पे एक माइनस रहता है ना, याद है बताया था थ्रस्ट फोर्स जो है एग्जॉस्ट के अपोजिट लगता है. मतलब अगर ये एक एग्जॉस्ट सिस्टम है
तो अगर एग्जॉस्ट मास इस तरफ हो रहा है तो फोर्स किस तरफ फील आएगा उसे? आगे की तरफ, ठीक है। तो ये बस जस्ट बताता है कि वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो कोई डाउट? ये थोड़ा बस यही गेस करना था कि यार क्या फॉर्मूला यहाँ पे काम आ जाने वाला है। ओके, तो जो क्वेश्चन दिखता बहुत टफ है वो मे बी उतना टफ होता नहीं है। चले नेक्स्ट, 65 तक बताएं। 63 वापस आ जाते हैं। 61 62, चले रीड करते हैं। 61, सैंड इज being dropped on a conveyor belt at a rate of mkg, the force necessary to keep the belt moving with a constant speed. भाई constant speed से चाहिए। अब अगर mass बढ़ रहा है तो extra force आ गया ना, speed same रहेगी क्या? बताओ भाई बहुत simple way में। अगर एक mass पड़ रहा है extra conveyor belt में, तो एक force extra क्या आ जाएगा? Thrust force। हाँ, और अगर thrust force आ गया तो क्या v constant रहेगा क्या? नहीं। तो इस थ्रस्ट फोर्स के जितना अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा ना, जिससे वी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। कोई डाउट किसी को? तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? वी इनटू डीएम बाय डीटी। अब क्वेश्चन में मास रेट केजी पर सेकंड को ही क्या दिया है उसने? कैपिटल एम लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? वी इंटू एम जितना। क्लियर यार? सर रिपीट करें। ओके, देखो हुआ क्या, कन्वेयर बेल्ट पे एक मास, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, एक ऐसे रोटर में ये दो व्हील घूम रहे होते हैं, ये मेटलर्जी में यूज होता है जहाँ पे मेटल प्योरिफिकेशन होता है, और कई जगह भी, कहीं भी यूज हो सकता है। एयरपोर्ट वगैरह में वो बेल्ट होता है ना जिसपे लगेज रख देते हैं और वो बेल्ट घूमता रहता है, ठीक है। तो बेल्ट पे जब आप मास एक साथ रखते जाओगे तो कन्वेयर बेल्ट पे जब आप एक्स्ट्रा मास रखोगे तो एक्स्ट्रा थ्रस्ट फोर्स लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? कंफर्म। अब अगर मुझे इस मोटर को वी कांस्टेंट से घुमाना है, मतलब लोगों को फील ना हो कि मोटर मतलब स्लो हो गई या फास्ट हो गई, तो इसका मतलब इस मोटर को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना एक्स्ट्रा थ्रस्ट आ जा रहा है। आइडिया क्लियर? यस सर। चले 62 रीड कर लेते हैं। A balloon with mass m descending down with an acceleration this, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? Okay. चले तो ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है कि यार एक m मास है, नीचे जा रहा है acceleration किससे? a से। तो इसका मतलब क्या होगा? g नीचे लग रहा होगा, mg। प्रॉब्लम ये कि अगर हमने इसका m कम कर दिया, m को ड्रॉप कर दिया, लेट्स से m2 कर दिया कुछ, तो ये ऊपर जाने लग गया। तो इसका मतलब ऊपर कैसे जा सकता है? कोई तो इसका मतलब पहले से ही उसे ऊपर खींच रहा था। कौन खींच रहा होगा? बलून है, मतलब उसका एयर का जो फोर्स लग रहा है, एयर का जो बॉयंसी फोर्स है वो उस बलून को ऊपर खींच रहा है। तो हमें ज्यादा पता नहीं है, मतलब ऐसे पता है बट लेट से फॉर नाउ हमें ये नहीं पता कि क्या है, बट ये कॉमन सेंस बता रहा है कि अगर थोड़ी देर में ऊपर जाने लग रहा है ए से, तो इसका मतलब कोई तो फोर्स था जो ऊपर लग रहा था। ये समझ आया कि नहीं? बताओ कैसे ये क्लियर हो रहा है कि कोई एक फोर्स ऊपर लग रहा था? डन। इसमें कोई डाउट किसी को? बताओ यार। सर फिर से बताओ। अच्छा देखो हुआ क्या कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये नीचे जा रहा है, डन, इसका मतलब एम जी ज्यादा है, बट ये बोल रहा है ए से जा रहा है, जी से जा रहा है क्या? नहीं, जी से नहीं जा रहा, इसका मतलब ऊपर कोई एक फोर्स लगा रहा होगा ना। अभी समझ आए कि ऊपर कोई फोर्स होगा, नहीं तो ये जी से गिरता ना। और ऊपर रियल बात बोले तो बलून है वो, उसका गैस का जो बॉयंट फोर्स है वो ऊपर उसे पुश कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब ये फोर्स तो सेम लग रहा है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, बट अब ये एम टू जी अगर हमने कम कर दिया तो एक टाइम तो आएगा ना कि ये जीत जाएगा, मतलब ऐसा कुछ। पहले एफ था 200 और एम जी था 300, कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? नीचे।
नीचे जाएगा, तो ठीक है भाई नीचे ऐसे जा रहा था, अब हमने 300 को घटा के 150 कर दिया, बताओ कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, बस ये क्वेश्चन है। समझ आया इक्वेशन कैसे लिखनी है, पहले में इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, पहले में इक्वेशन mg मतलब mg f इज इक्वल टू ma ma कहाँ जाने लग गया वो ऊपर, मतलब f ले जाने लग गया, f माइनस, अब ये m नहीं बचेगा, ये हमने कुछ कम कर दिया है उसे, तो लेट से m में हमने m डैश कम कर दिया है, तो हमारा टारगेट क्या फाइंड करना है, m डैश फाइंड करना है, m डैश इनटू g इज इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन भी m डैश का ही होगा, m माइनस m डैश करने के बाद ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी क्या f हमें अननोन था, f हमने ऐसे जुगाड़ करके एज्यूम किया था कि कोई f तो लग रहा है, ऐड कर देंगे कट हो जाएगा f, a की वैल्यू आ जाएगी, ओके सॉरी a की नहीं m डैश ट्राई करना है, तो m डैश की वैल्यू आएगी a और g के टर्म्स में, ओके समझ आया पैटर्न, यस सर ओके गुड सर ओके यस सर, लेट्स मूव टू 63 देन, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन 62 क्योंकि उसमें थोड़ा खुद गेस करना था कि नहीं एक फोर्स तो होना चाहिए ना, अदरवाइज वो जी से नीचे आता सीधा, चलो 63 रीड कर लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास दिस इज स्टार्टिंग एट द ओरिजिन टी जीरो विद द स्पीड 10 अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट फोर्स दिस टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स, वॉट इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, हमें पता है कि फोर्स कॉन्स्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा f बाई m, कितना फोर्स है 8, मास कितना है 0.4, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 20, अच्छा ये आ गया एक्सेलरेशन। अब पूछ रहा है क्या कि वो t0 पर एक स्पीड से जा रहा है पॉजिटिव x की तरफ, मतलब u इज इक्वल टू कितना है प्लस 10 है, बट एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मतलब ये एक्सेलरेशन किस तरफ है माइनस 20, तो अब पूछा है कि डिस्टेंस बताओ पोजीशन बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम, t इज इक्वल टू 25 सेकंड, तो भाई क्या कौन सी इक्वेशन लगा देंगे सेकंड, बस आंसर आ जाएगा, तो 10 बहुत ही कम है, 20 तो बहुत ज्यादा बड़ा एक्सेलरेशन है, मतलब वो नेगेटिव पे ही पहुंच जाने वाला है, ये कंफर्म है, तो ये आंसर है कि आंसर बहुत नेगेटिव में आएगा, सॉल्व करके देख लेंगे क्या आएगा। अच्छा एक चीज ये जरूर ट्राई करना है, ये मेरे डिस्कशन के बाद, ये नहीं है कि हाँ सर ने डिस्कस कर दिया पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छा हुआ एग्जाम में बन जाएगा, नहीं एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन आपसे जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मेरे लेक्चर लेने के बाद जो क्वेश्चन आपको डाउट रहता है उसे सेल्फ से ट्राई करो, फिर फाइनल श्योरिटी होगी कि आपसे क्वेश्चन बन गया। चले नेक्स्ट बचा है, बताएं आप तो अप टू 70 बोले 69 अप टू 70 एनी एल्स 65 60 व्हाट तो 70 ओके 70 भी ऐड कर देते हैं 65 भी ऐड कर देते हैं चलो देखें 65 रीड कर लेते हैं लिफ्ट मूविंग डाउन ओके चले अ लिफ्ट मूविंग डाउन विद ए अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्ड अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग यार ये तो बताया ना ग्राउंड वाले को क्या लगेगा ग्राउंड वाले को नॉर्मल ही दिखेगा और जबकि जो अंदर है उसमें क्या लगेगा सूडो लगेगा समझ आया तो लिफ्ट वाला हाँ तो लिफ्ट वाला सूडो के साथ करेगा और बाहर वाला नॉर्मली ही फील करेगा तो लिफ्ट कहाँ जा रही है नीचे या ऊपर लिफ्ट जा रही है नीचे नीचे तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा ऊपर ऊपर तो ए लगेगा ऊपर जी लगेगा नीचे तो मतलब नेट में कितना फील आएगा उसे अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो जी माइनस ए फील करेगा और जो ग्राउंड से देखेगा तो वो तो जी ही फील करेगा तो ये लिफ्ट वाले प्रॉब्लम तो काफी इजी होते हैं बस सूडो लगा दें तुरंत अच्छे से काम बन जाते हैं द वेट ऑफ अ मैन
standing on a weighing machine in a lift noted when the lift is moving with a uniform velocity, lift is moving down with an acceleration. ये तो बताया यार भाई कई बार. Moving with a uniform velocity, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं. अरे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समझ गया ना, नो फोर्स. नो फोर्स मतलब कोई टेंशन नहीं, ठीक है. द लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन ए, तो अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो सूडो कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा. और सूडो अगर ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे था तो इसका मतलब कम हो गया ना, इसका मतलब नेट एक्सीलरेशन कितना हो गया? कम हो गया. वो क्या हो गया? एम जी माइनस एम ए हो गया. द रेशियो ऑफ The two weights is 4/3. What is the value of A? तो यार दोनों वेट का रेशियो 4/3 है. तो पहले तो एम जी ही था, जब कॉन्स्टेंट स्पीड सी थी तब कोई टेंशन थी क्या? नहीं, तब एम जी था. अभी कितना हो गया? जी बाई ए हो गया. तो दोनों का रेशियो कितना गिवन है? 4/3 गिवन है. किसका? पहले रेशियो जब जी था और बाद में क्या हो गया? जी माइनस ए हो गया. ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देंगे. समझ आया ये फीलिंग? पहले जब कांस्टेंट स्पीड थी तो जी बदलेगा क्या? कांस्टेंट स्पीड मतलब कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? सिर्फ जी का. और जब वो डिसेंड करने लगी तो एक ऊपर सूडो भी लगने लग गया ए का, तो इसलिए जी माइनस ए की फीलिंग आएगी वहां पर. 70 देख लेते हैं. If the force on a rocket moving with velocity this is this this, then rate of come. भाई क्या था ये? मतलब ये question क्यों पूछ रहे हो यार? दिख रहा है ना thrust force का question है, क्योंकि dm by dt kg per second पूछ लिया है उसने. v into dm by dt इस बार क्या find करना है? dm by dt find करना है. कोई doubt किसी को? ये 210 है, v 300 है, बस answer. चल अप टू 75 बताएं. अप टू 75 72 73 72 and 3. देखें रीड कर लेते हैं. 75 भी चले रीड करें. अ लिफ्ट हूज A lift whose case is 3 meter high is moving up with an acceleration this. A piece of stone dropped from the top of the cage of the lift when its velocity is 8. If g is equal to 10, then the stone will reach the floor of lift after. Okay, ये थोड़ा सा बड़ा question लग रहा है. कुछ ऐसा कह रहा है कि lift क्या है? 3 meter की है. समझा? ये question में दिया है. यहाँ से मैंने drop किया. क्या किया? Drop किया. इसकी स्पीड कितनी है कॉइन की? 8. यही है ना, जब ड्रॉप किया तो व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द केज ऑफ द लिफ्ट व्हेन इट्स स्पीड इज 8. तो ये केज की स्पीड 8 है. सॉरी, ये तो ड्रॉप ही हो रहा है, ये कॉइन ड्रॉप हो रहा है, बट स्पीड है 8. तो कॉइन की स्पीड नहीं है, ये केज की स्पीड है ऊपर की तरफ 8. और ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो रहा है 2 से. तो पूछा है कि ये कॉइन कितनी देर में नीचे पहुंच जाएगा. तो दो चीजें, अगर रिलेटिव में सॉल्व करूंगा तो इसे सिर्फ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? 3 meter. और अगर विदाउट रिलेटिव देखूंगा तो दोनों प्रॉब्लम है क्या? कॉइन नीचे आ रहा है ग्रेविटी से और ये ऊपर वाला बॉक्स जा रहा है किससे? 2 से. तो दोनों कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे. वही पॉइंट होगा कि कितनी देर में नीचे आएगा. बट फिर वही है ना कि वो टफ हो जाएगा ना. क्यों हम टेंशन लेंगे? हम तो रिलेटिव से कर देंगे इसे. तो रिलेटिव से देख लो यार, ये है कॉइन और ये वो सरफेस. अब कॉइन नीचे जा रहा था जी से, बट लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 से. तो सूडो कितना लगाएंगे कॉइन पे? रिलेटिव मतलब सूडो. तो कितना लगा देंगे? 2 का और लगा देंगे. कोई दिक्कत? अच्छा, एक प्रॉब्लम है कि ये 8 से पास जा रहा था ना, तब याद है 8 की स्पीड से ये पास जा रहा था, 8 मीटर पर सेकंड से. इनिशियली 0 पे नहीं था, तो मतलब ये सरफेस अभी 0 पे नहीं है, ये 8 से जा रहा था. तो इसका मतलब
अगर मैं इस क्वाइन को देखूं रिलेटिव में, तो इस क्वाइन को फील आएगा ना कि ये स्टार्ट हुआ किस स्पीड से, 8 meter per second से, ये रिलेटिव की फीलिंग है। बताओ इसमें कोई डाउट? तो 72 में अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट? सर फिर से समझे। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। ओके एक मिनट, कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या इस क्वेश्चन को, 72 को? कोई स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? देखें फिर से देखें क्या, देखो एक बॉक्स है हमारे पास, इस पे एक स्टोन हमने यहाँ पे कॉइन ड्रॉप किया, ये बॉक्स ऊपर जा रहा है किस स्पीड से, 2 से। तो अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, ये बॉक्स भी ऊपर जा रहा है और ये कॉइन नीचे आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये बॉक्स यहाँ पहुंचेगा, कॉइन इधर पहुंच जाएगा, टाइम निकाल लेंगे कितनी देर में मिले, बट ये टफ हो जाएगा ना। मैंने बताया हमें इसके जगह किससे सॉल्व करना चाहिए, रिलेटिव से। तो जब रिलेटिव में आप अंदर बैठ के देखोगे तो क्या आपको लिफ्ट जाती हुई दिखेगी क्या ये सरफेस? नहीं, आप तो रेस्ट पे आ जाओगे ना, कौन आता हुआ नीचे सिर्फ देखेगा, क्वाइन। तो बस आप ये बताओ यार कि ये क्वाइन आता तो जी से, बट ए टू से ऊपर जा रहा है, तो क्वाइन इसका मतलब नीचे किससे आएगा, जी प्लस ए से आएगा ना। डन। और अब आप निकाल दीजिए कि कितना टाइम लगेगा उसे नीचे आने में। बताओ कोई डाउट किसी को? S is equal to, ये हाइट कितनी है 3 meter, S is equal to UT plus half a T square, लगा दीजिए। ओके यस सर। अच्छा एक चीज और यार, ये केज की स्पीड का क्या फर्क पड़ेगा, केज की स्पीड 8 थी इनिशियली, केज की स्पीड का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि केज की स्पीड क्या है वो हमें कोई मतलब नहीं है, जब हमने उसे ड्रॉप किया तब के बाद की हमें स्पीड देखनी है ना, जब हमने उसे ड्रॉप किया उसके बाद तो उसमें क्या काम करने वाला है, एक्सेलरेशन काम करने वाला है ना सूडो वाला, स्पीड का तो कोई यूज होगा ही नहीं उसके, इनिशियली वो चाहे जिस भी स्पीड पे रही हो, मेन है कि हमने उसे किस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है। ओके चले 73 देख लेते हैं। दिस रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज दिस द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट। भाई ये क्या था यार, 73 कौन पूछ रहा है भाई, थ्रस्ट फोर्स इस बार कितना चाहिए, उसके वेट जितना चाहिए यार, कितना चाहिए, mg जितना चाहिए, बस इसको सॉल्व कर दो यार, पूछा क्या dm by dt पूछा है, कोई डाउट किसी को? सब दिया, m दिया, v दिया, g दिया है। ओके मुझे लग रहा है थ्रस्ट फोर्स वाला तुम लोग कर ही नहीं रहे हो ज्यादा, मैंने थोड़ा सा नॉर्मल ही बताया था, बट बताया था ना न्यूटन सेकंड लॉ में थ्रस्ट फोर्स का, भाई न्यूटन सेकंड लॉ में बताया था ये थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला या नहीं? बताए, ठीक है, तो उसको आपको यूज करना भी अच्छे से सीख लेना। चलो 75 ट्राई करते हैं। अ कॉइन इज ड्रॉप्ड इन अ लिफ्ट इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट द कॉइन रीचेस इन T1, सही है, बट व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप, यार अगर आप पूछेगा तो फिर कॉइन में क्या लगने लगेगा, एक डाउन की तरफ सूडो, कॉइन किस फोर्स से जाएगा अब नीचे, जी प्लस ए, तो जल्दी पहुंच जाएगा देर में, जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा यार, तो T2 कम होगा T1 से। कोई डाउट सर? हाँ बोले सर, आंसर किम भी है ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन भी दिया है यार, गलत है यार फिर तो। बी आंसर दिया है, एक मिनट, बी ही है, सॉरी, ये फास्ट है ना, तो इसका मतलब टी टू को टाइम कम लगेगा ना, फास्ट मतलब नहीं समझ रहे, टी टू लेस होगा ना इसका मतलब तो। ठीक है, बी होगा फिर, आंसर की रॉन्ग हो सकता है बट अभी इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग नहीं है। ठीक है, चलो अप टू 80 बताएं, अप टू 81 बताएं, सॉरी फिर से 77 78 क्या 76 देखे, a thief stole a box of valuable gold articles of weight, this jumped down a wall of high touch before he reached the ground, he experienced a load of, okay, तो इसका मतलब ये कि ये किस सिचुएशन में पूछ रहा है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जस्ट जंप कर गया है, मतलब बेसिकली ये मानो कि एक एम मास है और जस्ट जंप कर गया, मतलब किस एक्सेलरेशन से नीचे गया, जी से, तो हमने बताया कि कोई चीज अगर ऐसे फ्रीली फॉल होगी तो एम जी फोर्स लगेगा, तो सूडो भी तो लगेगा उसको, तो अगर उसके रेस्पेक्ट में कुछ भी वो पकड़े हुए है, मतलब आप अगर ऐसे फ्री ग्रेविटी में फॉल कर रहे हो, मतलब फ्रीली फॉल कर रहे हो, तो आप हाथ में जो पकड़े रहोगे आपको एकदम क्या फील होगा, लाइट वेट, एकदम फ्री फील होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसे वो बैग कैसा फील होगा, बिल्कुल भी लोड फील ही नहीं होगा, ज्यादा दूर से नहीं बट आप थोड़ा सा जंप करके ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी हाइट से जंप करेंगे तो आप जो चीज फ्रीली ऐसे होल्ड किए होते हैं उसका वेट आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि उस पर एकदम सेम सूडो लगेगा ना, फ्री फॉलिंग वाली फील आएगी, इसीलिए टर्म यूज किया गया फ्री फॉलिंग। क्लियर? यस सर। यस सर। 77 देख लेते हैं, अ मास ऑफ रॉकेट दिस, अरे यार फिर से रॉकेट आ गया यार, रॉकेट दिस केजी रिलेटिव गैस इज एक्शन दिस, फाइंड द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द फ्यूल, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 20, भाई क्या यार चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है नीचे क्या लग रहा होगा mg, हमें कितना एक्सेलरेशन चाहिए ऊपर की तरफ, हमें ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगाएंगे, थ्रस्ट, रॉकेट लगाएगा ना थ्रस्टर अपना, तो उसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि कितना थ्रस्ट लगाना है कि सिर्फ वो अपना mg को लिफ्ट ऑफ कर सके। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, कितना फास्ट उसे कराना है कि ऊपर की तरफ 20 से एक्सेलरेट होने लगे, कोई डाउट क्या, तो प्रीवियस क्वेश्चन में था कि थ्रस्ट कितना लगाना है, mg जितना, इस बार क्या कह रहा है कितना थ्रस्ट लगाना है, इतना लगाना है कि थ्रस्ट माइनस mg करने के बाद भी एक्सेलरेशन मिलने लगे उसे ma का, समझ आया या नहीं? हाँ सर। ओके, तो बस भाई अब क्या चाहिए, देख लो फॉर्मूला लगा दो यार, ये हो गया v into dm by dt और ये हो गया अपना mg plus a, बस dm by dt फाइंड करना है। ये समझ आया कि नहीं यार सबको फीलिंग, प्रीवियस एक क्वेश्चन में कहा था कि जस्ट अपने वेट को ओवरकम करने जितना थ्रस्ट लगाना है, अब यहाँ पे रॉकेट को जस्ट एकदम स्लोली नहीं उड़ना, एकदम फास्ट चाहिए रॉकेट को, एकदम लिफ्ट ऑफ हो सीधा 20 के एक्सेलरेशन से, एकदम रॉकेट जेट की तरह एकदम पूरा, तो इस टाइप का सिनेरियो रहेगा। सिनेरियो समझ आया, कोई डाउट उसमें? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, बेटी, a man of mass this is standing on a lift whose cable broke suddenly, the lift falls freely, the force exerted by the floor on the man, okay, तो यार ये वो वाली बात हो गई ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि एक पर्सन कोई बॉक्स लिए है, बॉक्स के अंदर की जो भी चीज होगी अगर ये पर्सन फ्रीली फॉल करेगा तो बॉक्स वाले को क्या फील होने वाला है, एकदम
जीरो ग्रेविटी वाला एकदम है ना उसमें. यस सर. अगर लिफ्ट की केबल सडनली ब्रेक हो जाएगी तो आपका कॉन्टेक्ट यहाँ से लूज हो जाएगा, एकदम बिल्कुल जीरो ग्रेविटी वाली फील आने लगेगी. समझ आया? यस सर. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा उस केस में? जीरो. ओके सबको. चले नेक्स्ट देख लेते हैं. बताएं अप टू 91. कौन सा? 81. ओके 81 रीड करते हैं. अ पर्सन इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद दिस थ्रोज अ कॉइन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ दिस आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कॉइन फॉल बैक इनटू हिज हैंड. ओके तो यार इसका मतलब ये उसने तो कॉइन थ्रो कर दिया ना, तो बेसिकली अगर हम देखें तो कॉइन तो एकदम ग्रेविटी में आ गई ना. समझ आया आपको? तो कैसे करना चाहिए हमें कि लेट्स से अगर नॉर्मली देखते हैं ये एलिवेटर है, उसने क्या किया पर्सन एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. ओके तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ इज इक्वल टू 2 से जा रहा है. ठीक तो कॉइन हमने थ्रो किया तो हमें पता है कॉइन थ्रो करेंगे तो कितनी देर बाद आ जाएगा हमारे पास? 2 बजे. ठीक बट प्रॉब्लम देखना कि हम जब यहाँ पर हैं और हम तो इसके साथ ऊपर एक्सेलरेट होने लग जाएंगे ना, तो ये जितनी देर में नीचे आएगा हम ऊपर चले जाएंगे ना. समझ आया? तो क्या टाइम का आंसर 4 सेकंड होगा? क्या 20 से थ्रो किया तो 4 सेकंड बाद वापस आएगा क्या? T is equal to 2U/g. सिर्फ ये लिखेंगे क्या? नहीं, इस बार क्या लिखना पड़ेगा? सूडो लगाना पड़ेगा हमें रिलेटिव में. अगर सॉल्व करना है रिलेटिव में मतलब आप क्या करेंगे, लिफ्ट के अंदर ही देखिए. तो अगर आप लिफ्ट के अंदर है तो इसका मतलब आप तो मूव ही नहीं कर रहे ना. सिर्फ कौन मूव कर रहा है? कॉइन गया और कॉइन आपके पास आ गया. कॉइन को कुछ फील नहीं हुआ बट अगर आप ग्राउंड से देखो तो उतनी देर में लिफ्ट ऊपर चली जाएगी ना. समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों टाइम 2U/g नहीं होगा? टाइम क्या होगा? 2U/ और वो देखना पड़ेगा G+A. सुडो नीचे की तरफ. थॉट समझ आया कि नहीं? सॉल्व कर देंगे वैल्यू आ जाएगी. यस सर. ठीक है चले. बताए अप टू 85. कनेक्टेड सिस्टम तो यार बहुत इजी यार, ये तो बहुत सिखाया है. चले बताए यार इसमें कोई डाउट? अप टू 90 बताओ सीधा. 86 85 को भी कर लेते हैं. चले 85 से कर लेते हैं. तो 85 में देखे क्या है. 1.5 मास्टलेस रोप विच पासेज ओवर पुली पी tied with the hook open and free maximum tension in the rope can be at 360 with what value of maximum safe acceleration can a man 60 kg climb on the rope. yaar ye to matlab bas ekdam aasan wala kaam ho gaya na. ek 60 kg person ko upar jana hai to kaise karte the apan? yaad hai 60 kg box upar kaun leke jayega? t suppose kaun karega? एम जी. जाना किधर है? ऊपर के एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है बट क्वेश्चन में गिवन है कि टी कितना हो सकता है? 360. एम जी कितना है? 600. क्लियर. तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कि मैक्सिमम टेंशन उसमें इतना आ सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर टेंशन फोर्स ही बताना. मैक्सिमम टेंशन पता है सेफ एक्सेलरेशन है वो यूज कर सकता है. ओके तो बताएं फिर
इक्वेशन क्या लिख देंगे, अच्छा ये स्ट्रिंग इधर से ये तो फिक्स है, ये थ्रू आउट फिक्स है, ये क्लाइम कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये टू बॉक्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट एकदम फिक्स है, उसमें पुली का कुछ खास काम वगैरह नहीं है। ओके चले बताए तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सर एक्सेलरेशन नीचे आएगा क्या चीज, एक्सेलरेशन एक सेकेंड एमजी 363 हाँ ये ज्यादा है, मतलब थोड़ा गड़बड़ है, उल्टा हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आएगा नीचे आएगा, तो निकाल देते हैं एमजी ज्यादा है, क्या हो जाएगा 600 माइनस 360 इज इक्वल टू 16 टू ए आ जाएगा, कोई डाउट, नो सर, ओके गुड 86 देखते हैं यार, The pulleys and string shown in the figure smooth, negligible, theta पर equilibrium आ रहा है, तो भाई क्या होना चाहिए, इस mg को कौन लोग बैलेंस करेंगे, t के दो कंपोनेंट बैलेंस करेंगे ना, समझ आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे दो t है ना, तो इन दोनों के कंपोनेंट किसे बैलेंस करेंगे, root टू mg को, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब t is equal to कितना है mg है, यहाँ से देख लो T is equal to कितना है mg, तो T mg है, बट यहाँ पे बचा कौन रहा है, यहाँ पे तो cos theta बचाने वाला है, तो root टू mg को दो लोग बचाएंगे, टू mg cos theta मिलके बचाएगा, तो mg mg cancel out, cos theta कितना आ गया 1 by root टू, मतलब टू by root टू, root टू by टू आया, मतलब क्या हुआ वो 1 by root टू, 1 by root टू मतलब cos 45 degree, ये तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, कराया ना यार ऐसा क्वेश्चन, यस सर, चले 88 बताए द वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू, भाई सिस्टम दिया है एफ दिया है, क्या टेंशन है, दिक्कत क्या है भाई इस क्वेश्चन में, पहले क्या निकालेंगे ए, फिर सबकी अपनी अलग अलग एफ बी टी बना देंगे, दो क्वेश्चन क्यों बने हैं, दो फिगर क्यों बने हैं, दोनों सेम है ना, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ, कितना हो जाएगा एफ ओवर कितना है मैं 5639 9 एम, ये हो गया क्या एक्सेलरेशन, और इधर पे एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा सेम f by 9m, अब बस दो सब के अलग अलग fbt बना दो यार, ये तो बहुत करा दिया, कोई डाउट है क्या इसमें, एक बार चेक करेंगे सब, किसी ने सॉल्व किया था 88 बताएं, यस सर, आ जाना चाहिए, काफी सिंपल है, चले अप टू 95 बताएं, देखें 91 काफी लोगों ने एकदम बोला है, देख रीड कर लेते हैं, अवे डब्ल्यू सस्पेंडेड फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ रोड हुज एंड्स आर एट सेम लेवल इन ऑर्डर टू मेक द रोड परफेक्टली हॉरिजॉन्टल द फोर्स अप्लाइड टू ईच ऑफ इट्स एंड मस्ट बी, अच्छा ठीक है, तो फिगर हमें खुद ही बनाना है 91 के लिए, खुद बनाना है, बना लेते हैं, देखें रीड करें क्या बोल रहा है, अवेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ रोप, तो ये रोप है और यहाँ पे हमने लगा दिया डब्ल्यू, डब्ल्यू लगाएंगे तो ये रोप ऐसे टिल्ट हो जाएगी, तो क्या बोल रहा है, हुज एंड्स आर एट सेम लेवल इन ऑर्डर टू मेक द रोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल द फोर्स अप्लाइड टू ईच ऑफ इट्स एंड मस्ट बी, मतलब बोल रहा है कि अभी तो ये बेंट हो जाएगी बट कुछ तो यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा एफ, इस एफ के वजह से क्या होने वाला है,
एफ के वजह से रोप क्या हो जाएगी, पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हाँ तो यार मतलब पॉसिबल ही नहीं है यार ऐसे कि ये वर्टिकल है ना, इसको कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स कभी भी बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं, थोड़ी तो बेंट रहेगी ही रहेगी। थोड़ी बेंट रहने से क्या होने वाला है, थोड़ी अगर बेंट रहेगी तो ये जो हम फोर्स से खींच रहे हैं उन्हें टी फोर्स से, उसका ये थीटा मान लेते हैं कुछ, ये थीटा और ये थीटा मतलब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। बट जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दोनों किसे बचा लेंगे, डब्लू को बचा लेंगे। क्लियर, दोनों के टी के साइन वाले कंपोनेंट क्या करेंगे, डब्लू को बचा लेंगे। लेकिन आप सोचो कि एकदम हॉरिजॉन्टल हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, कोई बचा पाएगा क्या डब्लू को? नहीं, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। देखिए आंसर कुछ नन ऑफ दीज है क्या, ऐसा ऊपर की तरफ फोर्स भी लग, नहीं उसने हॉरिजॉन्टल बोला है ना फोर्स, इन ऑर्डर टू मेक द रोप हॉरिजॉन्टल द फोर्स अप्लाइड टू ईच एंड। अगर आपने ऐसे ऊपर लगाया तो ये बेंट हो जाएगी ना रोप, कह रहा है रोप बेंट करना ही नहीं है, तो बिना बेंट के डब्लू का भी बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं, समझा? तो टी मतलब इनफाइनाइट वैल्यू बेटर होगी, ठीक है। सो नन ऑफ दीज नहीं दिया क्वेश्चन में, इनफाइनाइटली लार्ज दिया है, तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे बैलेंस करने के लिए। चलो नेक्स्ट अप टू 95 94 95 94 एंड 95। चलो सर 93 का आंसर मेरा 20/3 आ रहा है। चलो 90 कौन सा? यस सर 93 सिंगल स्ट्रिंग के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताए, ये क्या था, प्लस नहीं एक्सेलरेशन, ठीक है क्या पूछा है इसमें? ओके द डिस्टेंस, रुको क्वेश्चन अलग है, सॉरी क्वेश्चन अलग है, रीड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन बस नहीं पूछा, एज्यूम दैट द बोथ द मासेस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकंड। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास चाहिए तो हमें सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए। तो अभी तो दिक्कत नहीं है, हमारा एक 7th चैप्टर है सेंटर ऑफ मास का, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है जो भी मास है उसका एक्सेलरेशन प्लस जो भी दूसरा मास है उसका भी एक्सेलरेशन अपॉन दोनों का मास का एडिशन। ओके अब ये विद साइन रखना होता है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा देखें, पहला M1 क्या है 1, मान लेते हैं एक्सेलरेशन आया कुछ A, और 2kg वाला नीचे जा रहा होगा ना, तो उसके एक्सेलरेशन हमने क्या ले लिया, नेगेटिव अपॉन M1 plus M2 1 plus 2। तो यहाँ पे क्या आएगा A minus 2A, मतलब -A/3। माइनस मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड को हमने माइनस बोला है, तो किस तरफ जा रहा है सेंटर ऑफ मास, डाउनवर्ड। अब हमसे क्या पूछा है फॉर्मूले में डिस्टेंस, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी क्या होगा 0, हाफ एटी स्क्वायर, सॉल्व कर दो, ए तो निकाल लेंगे ना, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए चाहे जो भी कर दीजिए, इस तरीके से जो आंसर आएगा वही फाइनल होगा। तो ऐसे किसी ने ट्राई किया फाइनल आंसर, चलो निकाल yes. लेते हैं यार 20/9 आता है 20/9, तो 20/9 करेक्ट है, देख लेते हैं। अच्छा चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, M1 minus M2 upon M1 plus M2 into G, यही था क्या भाई, याद आ रहा है सिंगल के लिए हमने डिराइव करके रखा था, मैंने कहा था याद करने की जरूरत नहीं है, अब 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं MA वाली इक्वेशन से, ठीक है।
दो मिनट में आप एम ए वाली इक्वेशन से सॉल्व करके कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाता है यहाँ से जी बाई थ्री आ जाता है। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्सेलरेशन है ए बाई थ्री, ए बाई थ्री मतलब 1/3 और ए खुद कितना है जी बाई थ्री मतलब 10/3 इंटू टाइम कितनी देर बाद 2 सेकेंड का स्क्वायर। अरे इससे आंसर तो फिर 10/3 आ रहा है। क्लियर है यार? सर आपने 1/2 दो बार क्यों लिया? हाँ सर। ओके 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 रुको 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 गड़बड़ गड़बड़ ओके ये 1/2 नहीं ये क्या है 1/3 है जी बाई ए बाई थ्री है ना ये हाँ 1/3 है तो फिर ये आ गया क्या ये आ गया 8/2 कैंसिल आउट होगा 20/9 आएगा ठीक है 20/9 सही है ये आंसर करेक्ट है। चलो 94 देखें। अरे क्या लगा ना इसमें लामीस थ्योरम ये किसने पूछा है मत पूछो भाई ये लगा लो यार ये सॉल्व कर लो ये टी वन मान लो ये टी टू मान लो और ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेना नोट्स के भी क्वेश्चन रखेंगे हम नोट्स के क्वेश्चन ज्यादा रखूंगा ओके नोट्स के क्वेश्चन मोर रहेंगे इस टेस्ट में। चले तो मतलब आज तो काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है मतलब ये सीक्रेट काफी कम लोगों को पता चलेगा कोई बात नहीं। देन अप टू 100 बताएं सॉरी 95 भाई लामीज 95 क्या दिख रहा है लामीज थ्योरम कोई डाउट किसी को 95 में ओके नेक्स्ट भाई लामीज थ्योरम पे काफी क्वेश्चन करा दिए यार इतना स्ट्रेट है फिर भी नहीं आएगा तो आप एक बार पूछ सकते हो बाद में व्हाट्सएप कर लो बट मतलब आ जाना चाहिए यार लामीज थ्योरम पे 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे क्लासरूम में ही। अप टू 100 एनी अदर सर 97 थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम है ये रोप सेम है या बदल गई बताओ ये रोप सेम है या बदल गई डिफरेंट डिफरेंट है भाई तो टी नहीं लिखेंगे इसे टी वन बोलेंगे और ये टी टू तो क्यों टेंशन देना है जब ये हमें पता है कि टी टू ये अलग है तो इसे क्या मान सकते हैं ऐसा सिस्टम और सिस्टम मान लो सिस्टम मानने से क्या होगा अगर ये ऊपर जा रहा है ए से तो ये पूरा सिस्टम नीचे किससे आएगा ए से और एक बार सिस्टम का ए पता चल गया तो बीच वाला टी भी तो निकाल लेंगे ना समझ आया यस सर ओके गुड तो पहले क्या किया इसको सिस्टम मान के T1 निकाल लिया और क्या निकाल लिया A निकाल लिया और उसके बाद अलग अलग FBD बना के क्या निकाल दिया T2 निकाल दिया T2 और एक गलती MG मत भूल जाना इस वाले फिगर में बॉक्सेस में तो आराम से बन जाता था T और सिर्फ MA बट यहाँ पर इस तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन तो MG को भी याद रखना है ठीक है। चले देखें सो अ मास ऑफ 20 सस्पेंडेड बाय अ रोप विद अ लेंथ 4 फ्रॉम द सीलिंग अ फोर्स अप्लाइड मिड पॉइंट हॉरिजॉन्टल व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रोप वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम किसका क्वेश्चन हो गया यार देख के बताओ किस चीज का क्वेश्चन हो गया ये लामीज थ्योरम का हो गया ना सिंपल समझ में आ रहा है लामीज थ्योरम का क्वेश्चन हो गया क्या अ मास ऑफ 20 केजी सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 फ्रॉम द सीलिंग ओके ये हो गई लेंथ 4 अच्छा यहाँ पर 20 केजी है फिर
A force of 60 is applied at the midpoint. Clear in horizontal direction. तो ये हो गया 60 इधर. तो इसका मतलब रोप क्या ले लेगी अब? एंगल का फॉर्म ले लेगी. मतलब रोप कैसी बन जाएगी अब? इस तरीके से हो जाएगी. कोई डाउट इसमें? ये कितनी कितनी लेंथ है इसकी? 2 मीटर और इसकी 2 मीटर. समझ आया सबको? यस सर. तो ये एंगल बनाना है, इसे थीटा मार के यहां पर लामीज थ्योरम लगा दो. क्लियर? तो दो फोर्स पता है तो एंगल तो आ ही जाएगा ना लामीज थ्योरम से. नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं. दिख रहा है क्वेश्चन? सीधा सीधा क्या लग जाने वाला है यहाँ पे? लामीज थ्योरम. समझ आ रहा है क्या? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? बस ये थोड़ा सा याद रखना, 90 प्लस थीटा करते हैं साइन को, तो साइन किस में बदल जाता है? कॉस में. हाँ, वो नहीं याद रखोगे तो फिर काफी गलत हो जाएगा. बताए अप टू सर? 104 देख लेते हैं सर. सी ऑप्शन आ रहा है. 104 देख लेते हैं. वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट दिया लगता है. अच्छा, रीड कर लेते हैं फिर, थोड़ा आराम से रीड कर लेते हैं इसको. टू आइडेंटिकल ब्लॉक ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर लिंक्ड बाय अ थ्रेड. ठीक है, तो सॉरी, ईच ऑफ मास कैपिटल एम. मास तो कुछ स्मॉल एम दिया है यार सर. वो ए वाला एम चाहिए उधर. हाँ, ए वाला कैपिटल एम है इसका मतलब. इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है ना कि दोनों कैपिटल एम के हैं. ठीक है, यस सर. तो बन जाएगा फिर, यही वाला तो कराया ना क्वेश्चन. बाद में क्या एक्सेलरेशन होगा? नया सेटअप बन गया ना, सिस्टम चेंज हो गया, तो इन दोनों को क्या मान लो? ऐसा सिस्टम सिस्टम तो बस सॉल्व कर दो. बाद में इन पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है क्या? नॉर्मल रिएक्शन. तो जब सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया तो नॉर्मल निकाल लोगे ना? यस. हाँ, सेम जैसे इसमें करना था, ये वाले पे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया तो बीच का टेंशन आराम से निकाल लेंगे. ओके, नेक्स्ट बताएं. 107 108. देखें, 10 kg suspended with two strings ABC below figure, what is the tension in the B? Okay, ये ना B पे हमें टेंशन चाहिए. तो यार मतलब 10 kg दिया है, ये दो स्ट्रिंग दिए, मतलब लामीज थ्योरम ही तो लग रही है. क्या लग रहा है इसमें? इसमें इतनी दिक्कत वाली क्या बात है? क्या लगा ना भाई? बता ही देता हूँ यार, लामीज थ्योरम में तुम लोग टेंशन ले रहे हो क्या यार? मतलब इतना कैसे बार बार लामीज थ्योरम का ही डाउट पूछ रहे हो? क्या बताया? सबके सामने के एंगल बना लो. तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा. मतलब ये क्या होगा? 90 प्लस 45. ठीक है, ये भी कितना होगा? 90 प्लस 45 और ये 90. तो सबके सामने का एंगल रखना होता है. तो जब मैं 10 kg लिखूंगा तो कौन सा एंगल यूज करूंगा? 10 kg मतलब 100 यूज करूंगा, तब साइन 90 प्लस 45. कोई डाउट? इसके सामने वाले का एंगल, एम जी के सामने का. फिर जब हम बी को लिखेंगे तो उसके सामने भी यही होगा, क्योंकि बी के सामने भी तो यही 90 प्लस 45 है. तो साइन 90 प्लस 45 मुझे पता है क्या बन जाएगा? cos 45. cos 45 इज इक्वल टू सी अपॉन क्या हो जाएगा? सी के सामने साइन 90 है. बी फाइंड करना, बी फाइंड करना था तो यही दोनों ले लो, कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा. बी कितना आ गया? 100 न्यूटन या फिर 10 g. ओके, हाँ सर. हाँ भाई, मतलब देख लो यार, लामीज देख लो यार अच्छे से. 108 देखें. ये सिस्टम है, क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है. तो यार ये तो कराया है ना नोट्स में?
यस सर। इसमें क्या डाउट आ रहा है भाई, ये एम जी लग रहा है, इसमें टी ऊपर लग रहा होगा, इसको टी आगे खींच रहा होगा, इसका एम जी कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ अगर इसको ए एक्सेलरेशन नीचे है तो इसको भी ए एक्सेलरेशन आगे लगेगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी 3 kg वाले के लिए, क्या बनेगा 30 - t = 3a, और इसको सिर्फ आगे खींच रहा है टी, तो t = 7a, ऐड करो टी कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया भाई a = 3 आ गया, क्या भाई यही यही वाला नोट्स में करा है, इसलिए मैंने ऐसे तुरंत बता दिया, कुछ बार बार नहीं रिपीट किया, ओके है ना सबको, नहीं ओके तो यार फिर इसका मतलब नोट्स देखो यार फिर से सर। 107 एक बार समझाइए ना, वो 75 न्यूटन आ रहा है किसमें, 107 ठीक है यस सर 75। अरे टी है ना यार इसमें, बस टी का तो मतलब निकाल दो या चाहे फॉर्मूला लगा दो, इतनी क्या टेंशन है, वैसे मुझे याद है फॉर्मूला, आप लोग भी याद कर लो तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके तो बताओ देख लो कितना आ रहा है 6 × 10 × 2 / 16 × 10 9.8 लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ वैल्यूज ठीक है देख लेंगे थोड़ी देर में, पहले अपन डिवाइड वगैरह इसको कर लेते हैं 2 को, तो ये कितना हो गया 8 और 2 को और डिवाइड किया 4 और ये 3, तो मतलब क्या आ रहा है 30/4 एक और डिवाइड जाएगा ना, सो ये क्या आएगा 15/2 × g, देख लो क्या जी लेना है, 75 आ रहा है, बट आंसर अगर 75 से थोड़ा सा कम है तो मार्क कर दो ये वाला, समझ आया? हाँ सर। तो इसमें डाउट क्या था भाई, कितनी बार तो बताया यार कि जी थोड़ा सा देख लेना, 10 है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ उस तरह पॉइंट में दिख रहा है तो 9.8 ले लेना। हाँ सर। चलो बताते हैं फिर नेक्स्ट, बताइए 115 तक बताओ। चलो कोई बात नहीं, इनको मैं क्लास में करवा देता हूँ ग्राफ्स वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है मुझको याद दिलाओ, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में तो यार हमें नया स्टार्ट करना है, फ्रिक्शन स्टार्ट करना है, एग्जाम में होगा ग्राफ्स, ग्राफ्स मतलब अभी तो पेपर मैंने बनाया नहीं है, तो अगर आप चाहो तो फिर नहीं रख सकते हैं, ठीक है चलेगा, ग्राफ्स को हटा ही लेते हैं, ठीक है चलो ग्राफ्स अभी के लिए एक्सक्लूड करके रखते हैं, बाद में जब अपन नेक्स्ट टेस्ट में फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसके बाद बीच में ग्राफ सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ओके ठीक है चले कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं किसी दिन और लेके लेक्चर इवनिंग में ग्राफ्स पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है हाँ सर वो ठीक है, बट ग्राफ्स जो मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है वो रीड करके आना है, क्योंकि मैंने बताया ग्राफ्स हर चैप्टर में आपको मिलेंगे, लेकिन जो उनका एसेंस है, जो एसेंस है स्लोप निकालने का, स्लोप की फीलिंग, एरिया की फीलिंग, वो वही रहने वाला है, तो वो चीज आपको थोड़ी सी फिर से एक बार रिवाइज करके आनी पड़ेगी, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे, ओके ओके देन आई गेस इट्स ओके फॉर टुडे, थैंक यू सर, अच्छे से प्रिपेयर करें यार, बाय, थैंक यू सर, बाय सर, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, एवरीवन, या बाय बाय ऑल।